बांग्लादेश के तंजीम ने जब विराट कोहली को आउट करने के बाद चुन्नी हरकत करी वह काफी ज्यादा हैरानजनक थी। विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी है और अग्रेशन किंग भी माने जाते हैं, लेकिन वह सब जानने के बावजूद भी तंजीम उन्हें गाली बकने लगे। उनकी घटिया हरकत को देखने के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों का भी खून खौल गया और विराट की तरफदारी करते हुए क्या कुछ कहा बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत इस मुकाबले में अच्छी रही थी। लगभग 39 रन चौथे ओवर का खेल समाप्त होने से पहले ही बन चुके थे। रोहित तेज बनाकर आउट हुए। कोहली ने 37 रन का योगदान दिया। उसके बाद ऋषभ पंत ने 24 गेंद में 36 रन बनाए। टीम इंडिया लगभग 12 ओवर में 110 के पास पहुँच चुकी थी और उसके बाद जिम्मेदारी उठाई हार्दिक ने। अंत में सिर्फ 27 गेंद में सभी गेंदबाजों का धागा खोलते हुए 50 रन जोड़ दिए और वह भी नाबाद। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 3 शानदार छक्के भी लगाए, जिसके चलते भारतीय टीम 196 रन की स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। भारत की मजबूत गेंदबाजी को देखिए, स्कोर पहाड़ समान नजर आ रहा था और ऐसा हुआ भी। हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को पहली सफलता भी दिलाई। दास को 13 रन के स्कोर पर आउट कर भारतीय टीम को खुशी का मौका दिया। उसके बाद बाकी गेंदबाजों ने बांग्लादेश की टीम को अपने शिकंजे में कस लिया। कुलदीप यादव ने सिर्फ 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए तो बुमराह ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किया। बता दे कि बांग्लादेश की टीम को 146 रन के स्कोर पर रोककर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 50 रन से जीत हासिल कर ली। विराट के साथ हुई इस लड़ाई को देखने के बाद शोएब अख्तर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर इस खिलाड़ी की आलोचना करी। उन्होंने कहा, विराट कोहली दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है और एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर तंजीम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह घटिया हरकत है, क्रिकेट की मर्यादाओं के बाहर है। मुझे लगता है या तो ऐसे अपने करियर की चिंता नहीं है, है या फिर यह विराट के बारे में जानता नहीं है, है विराट लोगों का करियर खत्म कर देते हैं जो विराट से उलझते हैं। मुझे तो लगता है इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, शाहिद अफरीदी ने कहा। मैं पूरी तरह से विराट कोहली का समर्थन करता हूं। तंजीम अहमद को यह सीख देना चाहता हूं कि सीनियर खिलाड़ी की रिस्पेक्ट किस तरह से की जाती है, यह उन्हें सीखना चाहिए। विराट की जितनी उम्र है उतने तो अभी इसने क्रिकेट में मैच नहीं खेल होंगे, लेकिन एटीट्यूड ऐसे दिख रहा है जैसे विराट कोई दूध पीता बच्चा है। मुझे लगता है विराट से उलझना इसके करियर को खा सकता है। सोशल मीडिया पर अभी से ही इंस्टाग्राम पर ऐसी गालियां सुनने को मिल रही है। वसीम अकरम ने इस पर बांग्लादेश के गेंदबाज की फटकार लगाते हुए कहा, इन्हें विराट से माफी मांगनी चाहिए। विराट जब अपनी पर आ जाते हैं तो किसी की भी नहीं सुनते और बड़े से बड़े खिलाड़ियों का उन्होंने गुरूर भी तोड़ा है। फिर तंजीम को क्रिकेट में आए हुए अभी समय ही कितना हुआ है, इतना अग्रेशन ठीक नहीं है। अगर क्रिकेट में लंबे समय तक खेलना है, विराट से माफी मांग कर मतले को हल किया जा सकता है। इस तरह से पाकिस्तान के दिग्गजों ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।